अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेज 5402, नेचर ऑफ परसेप्शन, लेसन नंबर 27। टॉपिक हमारा है 112, नेचर ऑफ परसेप्शन। नेचर ऑफ परसेप्शन के अंदर दो तरह की परसेप्शन होती है, बॉटम अप और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसके अंदर हम जो हैं हम बॉटम अप को डिस्कस करेंगे। इसको फिजियोलॉजिकल परसेप्शन भी कहते हैं। हम एक चीज़ को इस वक्त टेस्ट करते हैं, इस वक्त इसका टेस्ट महसूस करते हैं जो रिसेप्टर सेल से हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स तक तो जाएं लेकिन इसका सिग्नल आगे ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो हम इसकी परसेप्शन मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोबारा मैं आपको बता दूं कि बॉटम अप क्या है कि एक चीज़ को जिसको हम परसीव करते हैं, जिसको हम टच करते हैं, वो हमारे ब्रेन तक जाती है। अगर ब्रेन के ब्रेन तक ये चली गई है, लेकिन ये जो है ये बॉटम अप प्रोसेस है, लेकिन इससे आगे जब तक वो ब्रेन के अंदर प्रोसेस नहीं होगी तब तक हम चीज़ को परसीव नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बॉटम अप प्रोसेसिंग कह रहा है कि इसके अंदर पहली चीज़ है बिहेवियर हमारा। बॉटम अप का जो फीचर है बिहेवियर, ये RBC थ्योरी के मुताबिक हम चीज़ों की शेप, इनकी जो पिक्चर्स जियोन को आपस में मिलाकर बनाते हैं। जियोन्स ऐसी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो के मिलकर एक मखसूस पिक्चर बनाते हैं। ये जियोन्स देख लें, मुख्तलिफ नंबरिंग दी हुई है ना ये आपके सामने, 1, 2, 3, 4 लेफ्ट साइड पर देखें। इन्हीं शेप्स को मिलकर आगे मुख्तलिफ शेप्स बनी हुई, टेलीफोन और कप वगैरह, ये मशरूम वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्हीं शेप्स को मिलकर के मिलाने से बनी हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे देखें, बॉटम ऑफ अप्रोच फॉर अदर सेंसेस, दूसरे सेंसेस के लिए बॉटम अप्रोच किस तरह है। पहली हियरिंग है, हम एक मेलोडी में, एक सॉन्ग में मौजूद नोट्स को डिटेक्ट करते हैं। किसी की मुझे लहजे में, किसी के लहजे में मिठास, मेहरबानी, गुस्सा, शर्मिंदगी वगैरह, ये सब सुनकर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। यानी कि एक बंदे का लहजा हम सुनते हैं तो हम पता चल जाता है उसके लहजे में कितनी मिठास है या मेहरबानी है या शर्मिंदगी या गुस्सा है, क्या चीज़ें, हमें पता चल जाता है। अगर है टच, टच कह रहे हैं कि सम फिजियोलॉजिकल बेसिस आर नोन फॉर एलिमेंट ऑफ टच। स्मेल की बात करें तो स्मेल मुख्तलिफ ऑडोर को हम मुख्तलिफ जो है वो पता करते हैं, इनके अंदर सेपरेशन, इनके अंदर जो है हम फ़र्क जो है हम कर सकते हैं। आखिरी टेस्ट है, टेस्ट का यहाँ पे जिक्र नहीं है, मैं आपको टेस्ट का बता देता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स मिलकर मज़ीद कम्प्लेक्स टेस्ट बनाते हैं, जिनको जो डिटेक्ट करना ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। ये सब हमारी ज़बान से ब्रेन तक जाते हैं। इनको काफ़ी हद तक बॉटम अप अप्रोच के ज़रिए समझा गया है और मज़ीद रिसर्च इन पर जारी है। टॉपिक नेक्स्ट है बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप के अंदर पहला ट्रांसडक्शन है। ट्रांसडक्शन में कह रहा है कि एनर्जी का कि एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में तब्दील होना ट्रांसडक्शन कहलाता है। मसलन लाइट का नर्व न्यूरल इम्पल्सिस में तब्दील होना ट्रांसडक्शन कहलाता है। ये बॉटम अप प्रोसेसिंग है। तमाम इन्फो जो के होती है इसे न्यूरल इम्पल्सिस में हम जो है वो न्यूरल इम्पल्सिस में फील करते हैं, न्यूरल इम्पल्सिस के ज़रिए ट्रैवल करते हैं। कहा जाता है कि इसे ब्रेन में प्रोसेस किया जा सके। मेरी बात दोबारा सुन लें कि जो तमाम इन्फो आती है बॉटम अप के अंदर, कह रहा है कि बॉटम अप प्रोसेस में तमाम इन्फो जो है वो सेंस होती है, इसे नर्व इम्पल्सिस के में कन्वर्ट किया जाता है ताकि इसे ब्रेन के अंदर प्रोसेस किया जा सके। आगे है पैटर्न रिकग्निशन। पैटर्न रिकग्निशन के अंदर कह रहा है कि इन पैटर्न्स की पहचान बेसिक सेंसेस की मदद से नहीं कर सकते, ये इन्फो ब्रेन में जाती है और फिर हमें पता चलता है कि ये कौन सी शेप है या क्या और कितनी बड़ी शेप है। इस तरह मुख्तलिफ साउंड्स, कम्प्लेक्स और साउंड्स जो होती हैं उनको भी हम उनको रिकोगनाइज़ करने के लिए भी जो है ये मुख्तलिफ धुनों का जो मजमुआ होती हैं, आवाज़ें जो हैं, हम इनकी लाउडनेस, पिच, साउंड को डिटेक्ट करते हैं और ये भी डिटेक्ट करते हैं कि ये सॉन्ग है या ये कवाली है। ये सारी चीज़ों का हमें पैटर्न रिकग्निशन से ही पता चलता है। टॉपिक 114 हमारे पास है बियंड बॉटम अप। बियंड बॉटम अप की बात करें कि हमने पढ़ा है कि इन्फो बेसिक रिसेप्शन से ब्रेन तक पहुंचती है, लेकिन
परसेप्शन सिर्फ इसी सूरत में होती है, इससे परसेप्शन नहीं हो जाती, इसमें हमारी कॉग्निशन भी शामिल है, वो नॉलेज जो हमारे ब्रेन में आता है जो चीज़ों को मिलाकर इसका मीनिंग बताता है। यानी कि एक बंदे ने किसी चीज़ को देखा, सेंस किया, वो ब्रेन में इन्फो गई। अब ऑलरेडी जो पहले से मौजूद इन्फो होती है ब्रेन के अंदर, वो इसके साथ मिलकर प्रोसेस करती है और वो हमें बताती है कि वो ये चीज़ क्या है, फिर हम उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करते हैं। ये हमारा बॉटम जो है टॉप डाउन प्रोसेस है, इसको हम टॉप डाउन प्रोसेस कहते हैं। इन्फो का बाहर से हमारे ब्रेन तक जाना टॉप बॉटम अप प्रोसेस है, और ब्रेन से वापस इन्फो आना जिसके मुताबिक हम रिस्पॉन्स करते हैं, इसको टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। यहाँ से हम देखते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग को, यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यानी ब्रेन से हमारे कॉन्शियस से इन्फो लेकर, ब्रेन हमारे कॉन्शियस से इन्फो लेकर बताता है कि फलां चीज़ क्या है, इसको टॉप डाउन प्रोसेस कहते हैं। इसे हम एडिशनल इन्फो या इंसान का पहले से मौजूद नॉलेज भी कह सकते हैं, जो कि चीज़ों को की परसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। टेकिंग स्निफिंग इनटू अकाउंट, इसमें एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है कि एक चीज़ को जब ज़्यादा सूंघा गया तो ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे नाक में दाखिल हुए, और कम सूंघा गया तो कम मॉलिक्यूल दाखिल हुए नाक में, लेकिन ब्रेन ने इस खुशबू को एक ही लेवल पर डिटेक्ट किया, क्योंकि ब्रेन को पता है कि ज़्यादा सूंघना या कम सूंघना, एक सूंघा है हमने लेकिन खुशबू तो एक ही चीज़ से आ रही है। आगे है अटेंशन एंड परसेप्शन। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा टेंशन देते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा अहम वो चीज़ ज़्यादा अहम हो जाती है, और हम इसी की बेसिक फीचर्स, इसको इसके बेसिक फीचर से बढ़कर इसे जानना शुरू कर देते हैं। पिक्चर में कह रहा है कि पिक्चर में दिखाया गया है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारी आँख उसी तरफ जाएगी, हमारी अटेंशन उसी तरफ जाएगी, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि हमारी टेंशन ज़्यादातर अनयूजुअल चीज़ों की तरफ जाती है। मसलन किचन में एक प्रिंटर रख दें तो दूसरी चीज़ों को छोड़कर हम ज़्यादा प्रिंटर को नोटिस करेंगे, क्योंकि जो प्रिंटर है वो अनयूजुअल है, किचन में आमतौर पर प्रिंटर मौजूद नहीं होता। आगे यहाँ पे पेन की एक एग्जांपल दे रहा है कि फिज़िकल पेन दिमाग के इसी हिस्से में एक्टिवेश टेंशन करता है जहाँ पर इमोशनल पेन करता है, लेकिन जिस्म के किस हिस्से, उंगली, हाथ या पाँव पर चोट लगती है, ये चीज़ और दिल की चोट दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये यहाँ समझने वाली कि कोई भी पेन हो, फिज़िकल हो या इमोशनल पेन हो, ये दोनों दिमाग के एक ही हिस्से में एक्टिवेशन करते हैं, लेकिन फिज़िकल पेन जो है, हाथ वगैरह पे चोट लगना, और जो दिल की चोट होती है, धोखा वगैरह किसको होता है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी दोनों का जो एरिया ब्रेन के अंदर मौजूद है वो एक जगह पर ही मौजूद है। आगे हमारा टॉपिक है 115 हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरी ऑफ अनकॉन्शियस इन्फेरेंस। इसके अंदर उन्होंने बताया कि हम किस तरह हेयरिंग में फिज़िकल एक्सपीरियंस करते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग इंसान के पहले से जमा शुदा नॉलेज पर बेस करती है। अगर हम कोई ऐसी फिल्म देखते हैं जिसकी लैंग्वेज हमें नहीं आती, तो हमें ऐसा लगेगा कि एक लाइन में, एक फ्लो में वो जुमले बोलते जा रहे हैं, इसमें मौजूद पॉजेज़ का हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज का नॉलेज हो तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पर पॉजेज़ हैं, क्या मतलब, हर एक चीज़ का हमें उस वक्त समझ आएगी। स्पीच सेगमेंटेशन, एक बंदा जिसे सिर्फ इंग्लिश आती है और एक जिसे सिर्फ उर्दू आती है, तो इन्हें एक ही तरह की लैंग्वेज सुनाई जाती है, तो वो इन्हें मुख्तलिफ फील होती है, इसे मुख्तलिफ तरह परसीव करते हैं। परसेप्शन डिपेंड्स ऑन नॉलेज, हेल्महोल्ट्ज़ के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ही प्रपोज्ड प्रिंसिपल ऑफ अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंस, यानी वो रिजल्ट जो अनकॉन्शियसली निकल रहा है, हम इससे अवेयर नहीं हैं। हमारी परसेप्शन इस तरह भी बनती है कि हमारे जहन में, हमारे अनकॉन्शियस में पहले से कुछ मफूजे बने होते हैं जिनके तहत हम प्रेजेंट में मौजूद चीज़ों को परसीव करते हैं। परसेप्शन एज सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि ये डिटेक्ट करना कि ऑब्जेक्ट का पैटर्न कैसे बना है, यानी एक ऑब्जेक्ट
को स्पेसिफिक नाम हम कैसे देते हैं? हम माहौल के मुतालिक पहले से मौजूद नॉलेज को अप्लाई करके पता लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या चीज़ क्या हो सकती है। यह नॉलेज हम अपने अनकॉन्शियस से लेते हैं, इसलिए हम इसे अनकॉन्शियस प्रोसेस भी कहते हैं। व्यूज़, हमारा लेसन हो गया कम्प्लीट। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।